strings and character array. String is a sequence of character that is treated as single data item and terminated by null character slash zero. String is a sequence of character. यहाँ पे अगर हम लोग किसी भी characters को एक sequence में अगर हम लोग रख दें, characters क्या होते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं, हम लोग उसको सिंगल कोट्स में लेते हैं, इस प्रकार से हम लोग उसको क्या करते हैं, सिंगल कोट्स में लेते हैं, और सिंगल कोट्स में अगर हम लोग किसी भी कैरेक्टर को डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो कैरेक्टर बन जाता है. मींस हम लोग उसके अंदर नंबर्स भी ले सकते हैं, सिंबल्स भी ले सकते हैं, और कोई भी अल्फाबेट भी हम लोग उसके अंदर ले सकते हैं. तो यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी एक सीक्वेंस बनाते हैं किसी भी कैरेक्टर का, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, स्ट्रिंग बन जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग. और पूरा का पूरा जो वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है वो सिंगल डेटा आइटम होता है, और उसको हम लोग टर्मिनेट करते हैं स्लैश जीरो से, बैक स्लैश जीरो. ठीक है, हम लोग का जो स्ट्रिंग टर्मिनेट होता है वो नल कैरेक्टर से होता है, जो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं स्लैश जीरो, वो क्या है, नल कैरेक्टर है. ठीक है, रिमेंबर दैट C language does not support strings as a data type. ठीक है, C language में strings करके कोई भी data type available नहीं होता है, कोई भी string data type support नहीं किया जाता है C के द्वारा, लेकिन हम लोग उसको character array नाम से बना सकते हैं. Means हम लोग एक array create कर सकते हैं characters का, उसी को हम लोग बोलते हैं string. ठीक है, A string is actually one-dimensional array of character in C language. ठीक है, एक string क्या है, एक one-dimensional array of characters है जो कि हम लोग सी में बना रहे हैं. ठीक है, these often used to create meaningful and readable programs. ठीक है, for example, the string hello world contains 12 characters including slash zero. Character which is automatically added by compiler at the end of the strings. अगर हम लोग यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, या फिर हम लोग वहाँ से ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, स्लैश जीरो जो है वो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे ऐड हो जाता है, हम लोग को अलग से वहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग स्ट्रिंग्स बोल रहे हैं वो एक कैरेक्टर का सीक्वेंस होगा जिसको हम लोग दो प्रकार से बना सकते हैं, दो प्रकार से इनिशलाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रिंग वेरिएबल्स. तो यहाँ पे हम लोग दो प्रकार से इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं. सबसे फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है कैर नेम ऑफ साइज 13. यहाँ पे हम लोग नेम क्या दे रहे हैं, साइज 13 दे रहे हैं. ठीक है, नेम जो है हम लोग एक कैरेक्टर का एरे हम लोग बनाए हैं जिसकी साइज है 13. और सबसे फर्स्ट तरीका यहाँ पे कि इक्वल टू और डबल कोट्स के अंदर हम लोग कोई भी कैरेक्टर का सीक्वेंस लिख दें. ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है. देन उसके बाद सेकेंड मेथड क्या है, कैर नेम ऑफ 10. ठीक है, इसको हम लोग इस प्रकार से कर्ली ब्रेसेस के अंदर में सिंगल कोट्स के अंदर एक 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 कॉमा सेपरेट करके भी हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये दो मेथड है डिक्लेयर करने का और इनिशियलाइज करने का, दोनों ही तरीके से हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, दोनों ही तरीके से हम लोग कर सकते हैं. और जितने भी हम लोग यहाँ कैरेक्टर्स डालने वाले हैं, जितने भी कैरेक्टर्स उसमें हम लोग इनपुट लेने वाले हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से यहाँ पे साइज भी हम लोग को देना पड़ेगा. यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम साइज दे सकते हैं और उससे ये कैरेक्टर एक्सीड नहीं होना चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए. ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल है छोटा सा. ठीक है, यहाँ पे हमने कैर नाम का एक एरे लिया, कैर सी एच और साइज 3. साइज 3 हमने दे दिया है, इसका मतलब क्या होगा कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 कैरेक्टर ही हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि 3 कैरेक्टर के लिए ही हमारे पास साइज अवेलेबल है. और हमने इसको इनिशियलाइज किया एच ई डबल एल. यहाँ पे कितने कैरेक्टर हो गए, 4 कैरेक्टर हो गए, तो ये इलीगल होगा. मींस
ये लीगल डिक्लेरेशन नहीं होगा, लीगल इनिशियलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि साइज इसका कम है और कैरेक्टर्स हमारे पास ज्यादा है, ठीक है। वो एच ई एल ये तीन ही कैरेक्टर स्टोर करेगा, ये एल जो है लास्ट वाला उसको एक्सपेल कर देगा, निकाल देगा, ठीक है, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, स्ट्रिंग इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट फंक्शन स्कैन एफ कैन बी यूज्ड विथ परसेंट एस फॉर्मेट स्पेसिफायर टू रीड ए स्ट्रिंग इनपुट फ्रॉम द टर्मिनल। ठीक है, scanf जो हम लोग यूज करते हैं उसके साथ में हम लोग कुछ मॉडिफायर्स यूज करते हैं, लाइक इंट के लिए हम लोग परसेंट डी यूज करते हैं, कैरेक्टर के लिए परसेंट सी यूज करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए हम लोग परसेंट एस यूज करेंगे। परसेंट एस मॉडिफायर एक्सेस स्पेसिफायर सॉरी फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे टू रीड द स्ट्रिंग इनपुट फ्रॉम द टर्मिनल और कंसोल। ठीक है, कंसोल स्क्रीन को हम लोग टर्मिनल भी बोलते हैं, ठीक है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद scanf फंक्शन, इट टर्मिनेट्स इट्स इनपुट ऑन द फर्स्ट वाइट स्पेस इट एनकाउंटर्स। देयरफॉर इफ यू ट्राई टू रीड एन स्ट्रिंग इनपुट स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड यूजिंग scanf फंक्शन, इट विल रीड ओनली हेलो एंड टर्मिनेट आफ्टर एनकाउंटरिंग वाइट स्पेसेस। ठीक है, अगर हम लोग परसेंट एस मॉड स्पेसिफायर हम लोग अगर लगाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड तक रीड कर पाएगा, जैसे ही हम लोग कोई भी स्पेस आएगा बीच में, ठीक है, जैसे हेलो वर्ल्ड है, दोनों के बीच में एक स्पेस आ गया, दोनों के बीच में एक स्पेस आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ हेलो को रीड करेगा, वर्ल्ड को रीड नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करेंगे, हाउएवर सी सपोर्ट्स ए फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन नोन एज एडिट सेट कन्वर्सेशन कोड। ठीक है, एडिट सेट कन्वर्जन कोड, यहाँ पे हम लोग परसेंट लिखेंगे, इस प्रकार का ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम लोग उसको क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे दैट कैन बी यूज टू रीड ए लाइन कंटेनिंग ए वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग वाइट स्पेसेस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखो इस प्रकार का हम लोग यहाँ यूज करेंगे, एग्जाम्पल में दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग कैर का एक स्ट्रिंग हम लोग ने क्रिएट किया और इसका मैक्सिमम साइज दे दिया 20, मैक्सिमम साइज कितना दे दिया 20 दे दिया। देन हम लोग ने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट किया, प्रिंट एफ एंटर ए स्ट्रिंग, एंटर ए स्ट्रिंग, यहाँ पे हम लोग को स्ट्रिंग एंटर करना है। ठीक है, अब scanf में हम लोग ने दिया यहाँ पे परसेंट इस टाइप का पावर का सिंबल स्लैश n। ठीक है, हम लोग ने एक फॉर्मेट यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, ये फॉर्मेट क्या करेगा कि पूरा का पूरा स्ट्रिंग को रीड करेगा इंक्लूडिंग वाइट स्पेसेस, इंक्लूडिंग वाइट स्पेसेस मीन्स स्पेस भी हम लोग उसके अंदर डाल रहे हैं तो उसको भी वो रीड करेगा। ठीक है, या तो हम लोग अदर मेथड है जो हम लोग एक गेट एस फंक्शन यूज किए थे, ठीक है, गेट एस हम लोग यूज किए थे, उससे भी हम लोग वहां पे टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरीका यहाँ पे, एक है scanf, दूसरा है गेट एस। ठीक है, तो दोनों ही मेथड से हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो scanf जब भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे परसेंट इस टाइप के ब्रैकेट के अंदर में हम लोग पावर और स्लैश एन लगाएंगे, तो ये पूरा का पूरा होल स्ट्रिंग जो रहेगा जो भी हम लोग एंटर करेंगे वो एज इट इज इनपुट ले लेगा। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट एफ परसेंट एस, प्रिंट एफ के साथ कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट एफ के साथ हम लोग परसेंट एस लगा के हम लोग यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे स्ट्रिंग एस टी आर जो है हम लोग का ये एरे उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर scanf printf यूज नहीं करना है या फिर scanf हम लोग को यूज नहीं करना है तो हम लोग ऑल्टरनेटिव में यहाँ पे गेट एस का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो दोनों फंक्शन जो होते हैं वो कैरेक्टर एरे को या फिर हम लोग उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, स्ट्रिंग को वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जितने भी एप्लीकेशंस मार्केट में अवेलेबल होती है, मैक्सिमम एप्लीकेशंस में हम लोग जनरली कुछ ना कुछ हम लोग टाइप करते हैं, कोई सेंटेंस टाइप करेंगे, कोई वर्ड टाइप करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के हम लोग को वहाँ पे
इनपुट वहां देना पड़ता है और आउटपुट भी हम लोग को स्ट्रिंग के फॉर्म में ही मिलता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग सी प्रोग्राम करें, सी प्लस प्लस करें, जावा करें, ठीक है, तो जितने भी न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं तो सब के सब स्ट्रिंग को ही हैंडल करती है और स्ट्रिंग से ही डेटा एक्सेप्ट करता है और स्ट्रिंग में ही डेटा वहाँ पे थ्रो करता है। मीन्स यहाँ पे भी अगर हम लोग कंसोल की बात करें, कंसोल स्क्रीन से हम लोग इनपुट लेते हैं, तो कंसोल स्क्रीन से अगर हम लोग इनपुट लेते हैं तो कंसोल स्क्रीन जो है वो एक ही चीज समझता है, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग को समझता है, ठीक है। स्ट्रिंग में ही उसको इनपुट चाहिए होता है और स्ट्रिंग में ही उसको आउटपुट चाहिए होता है, ठीक है। तो वो हम लोग कन्वर्ट करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर से, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है, जैसे कि परसेंट डी हम लोग यूज करते हैं, तो परसेंट डी क्या करता है, परसेंट डी जो है वो चेंज करता है डेसिमल नंबर सिस्टम टू स्ट्रिंग, ठीक है। परसेंट डी जो है वो इंटीजर के लिए यूज किया जाता है, परसेंट डी जो है वो नंबर से कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में, ठीक है। और जब इनपुट लेते हैं तो भी हम लोग परसेंट डी लगाते हैं, तो वो जब इनपुट लेने के समय स्कैनएफ के साथ हम लोग यूज करते हैं तो स्कैनएफ के साथ वहां पे लगता है, तो वो क्या करता है स्ट्रिंग में इनपुट लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है नंबर्स में, ठीक है, इंटीजर फॉर्म में उसको चेंज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप का टाइप कास्टिंग की जाती है। तो जनरली जो भी हम लोग को इनपुट या आउटपुट मिलता है वो हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्म में ही दिखता है, ठीक है। कभी ये सोचे हो कि हम लोग जो प्रिंटएफ में लिखे यहाँ पे कभी तो हम लोग परसेंट एस कभी नहीं लिखे, कुछ भी नहीं लिखे, ठीक है। जब किसी वैल्यू को अगर प्रिंट करना होता है तभी क्यों हम लोग लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली उस स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ परसेंट एस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे डबल कोट्स में हमने लिखा है और डबल कोट्स में हम लोग जो भी चीज लिख देते हैं वो स्ट्रिंग कहलाता है, ठीक है। स्ट्रिंग को याद रखने का एकमात्र तरीका है, बस इतना याद रखो, एनीथिंग विद इन डबल कोट्स इज ए स्ट्रिंग, ठीक है। एक टैग लाइन याद कर लो, एनीथिंग विद इन डबल कोट्स इज ए स्ट्रिंग, ठीक है। क्या एनीथिंग विद इन डबल कोट्स इज ए स्ट्रिंग, ओके, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं यहाँ पे बताता हूँ कि हम लोग एसएमएस भेजते हैं, ठीक है, मोबाइल से हम लोग एसएमएस भेजते हैं, जो एसएमएस होता है शॉर्ट मैसेजिंग सिस्टम एसएमएस, ठीक है। ये एसएमएस के अंदर हम लोग सिंगल मैसेज के अंदर 256 कैरेक्टर्स के ही हम लोग टेक्स्ट को लिख सकते हैं और सेंड कर सकते हैं, ये सिंगल मैसेज काउंट कर सकते हैं, काउंट किया जाता है, ठीक है। 256 से एक कैरेक्टर भी ज्यादा हो जाता है तो वो दो मैसेज बन जाता है, ठीक है। आज से कुछ पहले जमाने की बात थी, 5-6 साल पहले की बात मान लो, या आज से अगर 6-7 साल मान के चलो, ठीक है, 2012-13, 2010 ऐसे मान के चलो, तो उस समय एसएमएस का ही जमाना था, उस समय कोई चैट मैसेजिंग वगैरह ऐसा कुछ भी था नहीं, ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी नहीं था, एक फेसबुक था लेकिन उसके लिए इंटरनेट लगता था, तो लोगों के पास सबसे ज़्यादा यूज होता था वहाँ एसएमएस, ठीक है। लोग कुछ भी मैसेज देना होता था तो एसएमएस करते थे, दिन के 100 SMS मिलते थे या 200 SMS मिलते थे, उतने ही करने पड़ते थे और उसी में ही गुजारा करना पड़ता था। अगर किसी को रेगुलर कुछ चैटिंग वैटिंग करना था एसएमएस के थ्रू ही होता था, ठीक है। तो वहाँ पे भी अगर हम लोग कुछ बड़ा टेक्स्ट लिख दिए तो 256 कैरेक्टर्स के ऊपर में चले जाता है और वो हम लोग उससे ज़्यादा नहीं भेज सकते, ठीक है। तो एसएमएस टेक्नोलॉजी आज भी ट्रेडिशनल तरीके से ही चला रहे हैं, जितने भी
फोन कंपनी है या फिर जो भी जो ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, आज तक वैसा ही चला रहे हैं। क्यों ऐसा चला रहे हैं? क्योंकि वहां पे इस मैसेज को भेजने के लिए उनको नेटवर्क का यूज किया जाता है। आज भी इंटरनेट को यूज करके एसएमएस नहीं भेजा जाता है, वो अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से ही भेजते हैं, ताकि अगर नेटवर्क ना रहे, इंटरनेट ना रहे, या फिर हम लोग उस मैसेज को अगर ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो हम लोग ओवर द नेटवर्क कर सकें, ठीक है। तो वहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से ही किया जा रहा है, इसीलिए वहाँ पे एक शॉर्ट मैसेजिंग सिस्टम इसको बोला जाता है, जिसमें एक शॉर्ट मैसेज हम लोग 256 कैरेक्टर्स तक हम लोग उसमें भेज सकते हैं सिंगल मैसेज में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो कैरेक्टर का एरे ही हम लोग बनाते हैं, जैसे कि मान लो कि कैर MSG हम लोग ऐसा बना लिए, और यहाँ पे मैक्सिमम साइज दे दिए 255, 0 से लेकर 255 तक होता है, ठीक है, मैक्सिमम साइज, ठीक है। और यहाँ पे जो भी हम लोग लिखना चाहे वो हम लोग इस प्रकार से डबल कोट्स के अंदर जो भी हम लोग मैसेज टाइप करते हैं ऐसे लिख देते हैं, हेलो व्हाट्सएप ऐसे करके कुछ हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, हेलो हेलो कुछ भी हम लोग जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें वो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उसके अंदर लूप लगा होता है और वो प्रोसेस करता है और वो सेंड करता है, ठीक है, ओवर द नेटवर्क उसको वो सेंड करेगा, ठीक है। तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस में सबसे ज़्यादा इस कैरेक्टर एरे का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ नहीं किया जाता, आज तक वही ट्रेडिशनल तरीके से चल रहा है।